सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को दबा दें। यूपी के हमीरपुर जिले में बता दें पार के कहर से आम जनता में काफी भय व्याप्त हो गया है। बता दें लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, वहीं आधे से ज्यादा लोगों का सामान डूब चुका है पानी में। लोगों ने बड़ी जहदोजहद से जैसे तैसे जो भी सामान बचा है उठाकर सड़क पर रखा है और सड़क पर ही रहने को मजबूर हो गए हैं। ना तो उनके पास खाने को कुछ बचा है ना ही पीने को। बता दें सड़क पर सोने को मजबूर हैं अपने परिवार के साथ। साथ ही उनका कहना है कि ना तो सरकार आ रही है मदद करने के लिए, ना ही कोई अधिकारी आ रहे हैं, ना ही कोई नेता उनकी सुन लेने आ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट हमीरपुर टाइम्स पर। रामनगर पानी थे रातन पानी नहीं फिर लेते हुए साहब जी देर आ गया अब ऊपर ही होता है भाई ना पानी सर क्या इंतजाम किए? बाढ़ का हमारी दोनों नदियां बेतवा और यमुना दोनों में जलस्तर बढ़ा है, तो माता टीला से और उधर कोटा बैराज से तक पानी छोड़ा गया है। यमुना लगभग खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी आबादी में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हमारी सारी बाढ़ चौकियां एक्टिव है, हमारी यहाँ पर फ्लड कंपनी भी पड़ी हुई है, NDRF से भी बात हो गई है और उनको बुला लिया गया है, उनको सूचित कर दिया गया आने के लिए। हम लोग संपर्क बने हुए हैं, कोई ऐसी बात आती है तो हमारी सारी तैयारी। सर बेतवा नदी में बाढ़ आई, वो भी सुबह 9:30 के बीच में आई, दो दिन से बराबर आ रही है और जल स्तर बढ़ रहा है, कम होने की नौबत नहीं ले रहा है। इसका उपाय कुछ बता सकते हो? कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा नुकसान हुआ है करीबन जो पीछे बाई हुई खेती थी उसमें तिली अरारी जिंदी सब चला गया, घिया ही है और ये घर तो गिरने वाला ही है, तो नुकसान मेरा करीबन वही 70,000 हुआ। घर का सामान अभी कहाँ रखे हुए? ये रोड में पड़ा हुआ है सर। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक मिलने आया आपसे? कोई नहीं आया सर, ना SDM ना DM कोई नहीं आया सर। मगर गंदा पूरा पानी घुसा है, सब नुकसान ही नुकसान तो है, रोड पे बैठे हैं। कौन सी नदी का पानी घुसा है? बेतवा का। कितना नुकसान हुआ है लगभग? आप नुकसान का जितना व्यस्तता था तो ऊपर रोड पे रख लिया, बाकी नुकसान का घर मकान तो गिरने वाला है। क्या प्रशासन का कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? नदी और कौन सी नदी में कितनी बाढ़ आई है? ये बेतवा नदी है, ये आ गई थी 4 बजे के लगभग, कल 4 बजे आई थी। 4 बजे के आने के बाद हमने रात भर सामान निकाला, निकालते निकालते आधे निकाल पाए आधे नहीं निकाल पाए, वो भर गई आधा डूब गया, भूसा वूसा सब बह गया हमारा, और जितना सामान भर का था निकाल के रख लिया है। अब खाना ना बाहर बना खा रहे हैं, कोई कोई सुविधाएं नहीं है, कोई आ रहा ना कोई नेक वाला आ रहा ना। खेती थी आपकी, खेती कितनी? अभी पूरा भर गया है ना, कोई गल्ला पानी कुछ भर के नहीं है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी यहाँ रह रहे हैं, रोड में रह रहे हैं, घर के ऊपर रह रहे हैं। क्या प्रशासनिक अधिकारी कोई आया? प्रशासन कोई नहीं, कोई नेकपाल ना कोई नगरपाल, कोई नहीं सुनाई, कोई नहीं आया नहीं।